जी, गांव गोरखपुर में आपको प्यार और समर्थन मिला है, आपको सरपंच चुना है, तो उसके बारे में बताइए कुछ। ये बहुत अच्छा जनादेश दिया है गांव ने, और लोकतांत्रिक प्रणाली में, एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गांव गोरखपुर में चुनाव हर बार होता है, उसी प्रकार चुनाव रहा और सभी ने बहुत ही अच्छे मान सम्मान मेरा जो किया है, इसके लिए मैं पूरे गांव गोरखपुर का ऋणी हूँ और इनकी सेवा के लिए दिन रात प्रयास करता रहूँगा। और जहाँ भी गांव गोरखपुर मेरी ड्यूटी लगाएगा वहाँ मैं तैयार रहूँगा। और रही बात काम करने की तरीके की, तो काम करने की मेरी रुचि बचपन से ही रही है, और जब से मैं कॉलेज से निकला उसके बाद मैंने जैसे भी गांव ने मेरी जहाँ ड्यूटी लगाई या समाज ने जहाँ ड्यूटी लगाई वह मैं तैयार रहा। एक बात मैं कहना चाहूँगा सभी से कि चुनाव का परिणाम जो है मेरे पक्ष में रहा है, मेरे सामने जो भी उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे थे, तो देखो लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी को चुनाव लड़ने का हक है, और जो जनादेश जो जनता ने दिया है वो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि राग और द्वेष से दूर रह करके गांव के विकास को करेंगे, किसी से द्वेष की भावना न रखते हुए सबको साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के गांव को विकास के पथ पर ले जाने का काम करेंगे, ऐसा मैं मेरे गांव गोरखपुर को विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एजुकेशन में क्या कर रहे हैं और क्या कुछ किया उसके बारे में थोड़ा सा? मैं वर्तमान समय में PhD स्कॉलर हूँ, और अभी तो मैं बीच में गाँव वालों ने कहा कि आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए, तो उसी कड़ी में मैं आज मुझे चुना है, तो मुझे हर्ष है इस बात का। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी जहाँ मुझे अवसर मिला तो वहाँ भी भगवान ने, किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया है, और यहाँ भी जो है मेरी किस्मत आजमाई, आपको आपको गांव ने मौका दिया है। आपका आप क्या कौन सा ऐसा काम है जो आप गांव के लिए करना चाहेंगे जो एक ऐतिहासिक रहेगा, ऐसा कुछ काम है इसकी कोई आपकी इच्छा हो कोई? गोरखपुर गांव में फिलहाल विकास की जरूरत है। पूर्व में जितने भी सरपंच रहे उन्होंने अपने अपने तरीके से गाँव को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया। मैं गाँव को विश्वास में लेकर के गाँव के बुजुर्गों को, 36 बिरादरी के बुजुर्गों को, जो वरिष्ठ और मौजूद लोग हैं उनको विश्वास में लेकर के गांव के विकास का जो मुद्दा है उसको प्रभावी बनाते हुए हम इस पर काम करेंगे, और गांव की गलियों का विकास, पानी निकासी का विकास जो भी हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है उसमें करेंगे। और आज से हमने एक अभियान की शुरुआत करी है गौशाला के लिए, गांव में गोवंश जो है उसके सुधार के लिए, हमने आज से ही पहला दिन है और हमने इसकी शुरुआत करी है, और इसमें भी गाँव को मैंने पूरा विश्वास में लिया है। पूरा गाँव आज गौशाला के अंदर था और गौशाला के अंदर से हमने इस अभियान की शुरुआत करी है। उसके बाद मैं गांव में प्रत्येक जगह जा कर के खुद गांव की समस्याओं को देखूंगा, और उसके बाद जहां जहां मुझे लगेगा जिस जिस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा मैं करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।